तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। देखो, कब से इंतजार था कि ऑफिशियल जो नोटिस है वो कब आ रही है, तो फाइनली जो ऑफिशियल नोटिस है वो आज आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें कि एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाने हैं, तो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं, सबसे पहले ये बता दीजिए आप लोग, क्योंकि अभी वॉइस का काफी इशू चल रहा था। सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें कि सबसे तो चलिए, तो देखो बात करते हैं कि इस पे नोटिफिकेशन जो, यानी कि फॉर्म भरने की डेट कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म भरने की डेट दी गई है वह कब दी गई है, 10/2/24, मतलब कि 10 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 23 तारीख तक। ठीक, तो 10 तारीख से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं दूसरे उस पे खोल लेता हूँ। देखो, इसमें आप लोगों के 10 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 23 फरवरी तक, और जो अगर विलंब शुल्क के साथ अगर 23 फरवरी तक जो लोग नहीं भर पाते हैं, तो वो लोग कब तक भर पा रहे हैं, 25 फरवरी तक भर पाएंगे। ठीक, और जो प्रारंभ करने की तिथि वो बता दिया, 10 फरवरी से है। कब से है, 10 फरवरी से है, और कब तक है, तो 25 फरवरी तक है। ये डेट आप लोग याद रखिए। तो लेट क्यों, देखो जिन लोगों को फॉर्म भरना है तो वो लेट बिल्कुल ना करें, है ना, यानी कि 10 फरवरी तक भर ही दें। और जो अगली नोटिस है, इस नोटिस पे हम लोग को पता चलेगा पूरा कि क्या क्या मान्य है क्या नहीं है। जैसा कि अब ये चल रहा था कि सीटेट और एस्टेट मान्य है या नहीं अपेयरिंग वालों का, जो तो देखो इसमें यानी कि जो ये बीपीएससी 3.0 है, 3.0, तो इसमें यानी कि 1 से 5 तक के लिए भी है, 9 से 10, 6 से 8 और 10 से 11, सॉरी 11 से 12 तक के लिए सभी लोगों के लिए है। तो अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला ही यानी कि चौथे पॉइंट पे दिया हुआ है कि सीटेट एंड एस्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीटेट और एस्टेट वाले थे कि क्या उन लोगों को मान्यता रहेगी या नहीं रहेगी, तो यहाँ पे बोर्ड ने सीधे साफ लिख दिया है कि उन लोगों वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, उन लोग को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ठीक, और बात करें कि इसके लिए और क्या क्या होनी चाहिए, तो जैसे देखो 1 से 5 तक के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होनी चाहिए, या कि फिर जो बीटेट पेपर फर्स्ट है, जो बी एस्टेट का फर्स्ट पेपर होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, और 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, या कि फिर जो अपना एस्टेट बीटेट वाला पेपर सेकेंड ये वाला क्वालिफाई होनी चाहिए। और अगर हम 9 से 10 के लिए बात करें तो 9 से 10 के लिए आप लोगों को जो एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, और 6 से 10 और 11 से 12 के लिए
एस्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा। और अगला क्या लिखा है कि 17/6/2023 को आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट जो अभ्यर्थी के लिए बीटेट ये वाला, ठीक, तो 60% अंक जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य कोटि के लिए कितने परसेंट यानी 60% लिया गया है, और जो निषक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति उनके लिए कितने परसेंट लिया गया है, 50% लिया गया है। किसके लिए, जो सीटेट और बीटेट वाला था। ठीक, तो 60% कितना हो जाता है, 90%, 90 नंबर, और वो 82 नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो जिन लोगों के 90 नंबर हैं और तो वो लोग भर सकते हैं। अब इसमें एक और था कि जो ये NIOS वाला था, तो क्या NIOS इसमें मान है या नहीं है, तो वो भी देख लेंगे। तो देखो, ये तो सभी लोग जानते हैं कि न्यूनतम 50% होने चाहिए आप लोगों के उच्चतर माध्यमिक और डिप्लोमा में। ठीक, जो भी आप डिप्लोमा किए हो, और आप लोग बीएड किए होने चाहिए, बीएड या डीएलएड किए होने चाहिए। ठीक, तो ये देखो, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22/23 दिनांक 7/12 2000, जो NIOS है उसको, जो 18 महीने वाला डीएलएड था उसको मान्य अमान्य कर दिया है। ठीक, तो ये भी अमान्य नहीं है। तो बात हुई जो सीटेट अपेयरिंग, एस्टेट अपेयरिंग और जो NIOS, ये तीनों क्या है, अमान्य है। ठीक, तो ये अगर तीनों जिन लोगों के ने किया है या सीटेट और एस्टेट अपेयरिंग वाले हैं, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक, और अगली बात की जाए तो ये तो आप लोग को मालूम है कि 50% होने चाहिए, ये बीएससी बीएड या बीएड किया होना चाहिए। ठीक, इसमें भी वही किया है कि एनआईओएस को अमान्य कर दिया है। और अगली नोटिस, अब एलिजिबिलिटी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से। ठीक, तो देखो, तो अगर आप लोग फिजिक्स से फॉर्म भर रहे हो तो फिजिक्स के लिए आप लोग यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप भर सकते हैं। केमिस्ट्री से जिनको फॉर्म भरना है तो यकी केमिस्ट्री से ग्रेजुएट या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक, कॉमर्स वाले में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हावर्स होल्डर ऑफ डिग्री इन एम कॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल, तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसको नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक, या डिग्री ऑफ एम कॉम जो है। ठीक, और बॉटनी जुलॉजी में बात करें तो बॉटनी जुलॉजी में लिए बॉटनी से या कि एमएससी हो या जुलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो इनसे आप लोग बॉटनी या जुलॉजी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक, मैथ के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दोनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं अगर ये दोनों किए हैं तो। तो ये रहा आप लोगों का मेन नोटिस। अगर पेपर की बात करें तो भाग फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये तो अब लगभग लगभग सभी को मालूम हो गया कि भाग फर्स्ट में जो रहता है कितने, 30 क्वेश्चन रहते हैं, और भाग सेकंड में कितने, 120 क्वेश्चन रहते हैं। जो पेपर होता है वो अपना 2.5 घंटे का होता है, कुल 150 अंकों का होता है। ठीक, और जो भाषा फर्स्ट है, भाग फर्स्ट या उसको बोले भाग फर्स्ट में कौन कौन सी, तो इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गई, तो हिंदी और इंग्लिश में कम से कम न्यूनतम कितने मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 30% मार्क्स आप लोग को लेके आना रहेगा, तभी आप लोग यानी कि उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक, और अगर हम बात करें 1 से 5 तक के लिए, तो उनमें क्या क्या उनका सिलेबस रहेगा, तो प्राथमिक प्राइमरी गणित रहेगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता मतलब रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे, ये सभी चीजें रहेंगी। ठीक, और SERT NCERT से संबंधित होकर लेकिन स्थायी चुनाव आलोक में होगा, ये सब चीजें। और 6 से 8 में बात करें
तो 6 से 8 में भी गणित एवं विज्ञान सामाजिक, यानी कि इसमें बता दिया गया है कि जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा जो एसईआरटी रहता है और एनसीईआरटी, इनके सिलेबस को फॉलो करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक, और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप लग जाइए अपनी किस्में तैयारी में, क्योंकि एक ये बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप लोग फेज 4th को अगर इंतजार करो तो मैं तो मानता हूं कि नहीं, क्योंकि देखो अभी तीसरे में ही कई लोग भर्ती हो जाएंगे, तो उसके लिए चांसेस है ना कि उसमें क्या हो जाएगा, और कई लोग अभी 4th के लिए भी इलिजिबल हो जाएंगे, तो उसमें कंपटीशन और तेज हो जाएगा, उसमें कंपटीशन और बढ़ जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें यानी कि फोकस करिए, कम समय है लेकिन कम समय, लेकिन अगर यानी कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो यानी कि सक्सेस हो सकते हैं, यानी करने से, मेहनत करने से क्या नहीं मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं, अब हम आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर और गुड लक, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करिए ताकि आपके सभी दोस्त भाई लोग यानी कि ये जानकारी को जान पाए। धन्यवाद।